हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डीसी मैथ क्लास चैनल। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में कुछ फॉर्मूले पढ़े थे और उनको सिद्ध किया था, वो भी कौन से प्रश्नावली के, ये 2.2 के जो हमने इनवर्स वाले फंक्शन होते हैं उनको सिद्ध किया था। कुछ साइन इनवर्स का किया था, तो हमने लास्ट लेक्चर में साइन इनवर्स तक किया था, तो आपने उसे जाके जरूर देखी, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जरूर मिल जाएगा। उससे क्या होगा कि आपको वो फर्स्ट वाला समझ में आएगा तो ये अच्छी तरह से समझ में आएगा आपको। तो देखो, अब आगे देखते हैं, आगे कौन कौन से करेंगे हम। तो आगे ये होगा मेरे पास, जैसे साइन का होगा तो किस पर आ जाते हैं हम, कॉस पर आ जाते हैं। तो कॉस में देखो, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया एक। तो अब देखते हैं माइनस वाला दूसरा, ये तो प्लस वाला हो गया, अब देखते हैं माइनस वाला। कॉस इनवर्स में कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, तो ये क्या होगा मेरे पास, ये होगा कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो इनमें डिफरेंस क्या है, प्लस वाले में तो क्या आ रहा है, प्लस वाले में यहाँ नेगेटिव आ रहा है और माइनस वाले में यहाँ प्लस आ रहा है। तो इस तरह से एक दूसरे के विपरीत है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये तो अच्छी तरह से याद हो जाएंगे, ये आपको एक दूसरे के विपरीत से याद रखना है जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। तीसरा देखो, दो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, कॉस इनवर्स इनवर्स है टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये हो गया, ये होगा। एंड फोर्थ देखो, थ्री कॉस इनवर्स एक्स, तो ये क्या होगा, कॉस इनवर्स फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स। मैंने बताया ना आपको कल लास्ट लेक्चर में बताया था, सॉरी, तो वो क्या बताया था कि साइन ऑफ साइन में तो क्या होता था, 34 होता था, और इसमें कॉस में क्या होता है, 43 होता है। तो इसको इस तरह से याद रखना है, इस ट्रिक से आपको, जिससे आपको आसानी से याद हो सके। अब हमने ये फॉर्मूले हो गए चार, तो हम इन चारों को एक बार सिद्ध कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं और नेक्स्ट फॉर्मूले। तो सबसे पहले पहला देखो, पहला कौन सा मेरे पास, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, ये। तो इसमें क्या करूँगा मैं, आप सिद्ध करने के लिए मैं आरएचएस ले लेता हूँ, कौन सा पद, आरएचएस पद ले लिया मैंने। अब आरएचएस में देखो क्या है मेरे पास, यहाँ आरएचएस में क्या है, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई, ये है। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, x और y का मान पुट अप करूंगा, तो x का मान तो क्या करूंगा मैं, cos थीटा ले लो या a ले लो, मैं ले लेता हूँ a, cos a। एंड y बराबर क्या मानूंगा मैं, cos b, तो ये मैं पुट अप करूंगा मैं इसमें। तो इससे क्या होगा, मेरे पास कुछ फॉर्मूले बन के आएंगे, उन्हें देखते हैं। तो मुझे यहाँ से अगर ए का मान चाहिए, तो ए का मान क्या होगा मेरे पास, इसको इनवर्स बन जाएगा ना इसका, तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। एंड ऐसे ही यहाँ देखो, बी का मान चाहिए, तो मुझे क्या होगा, ये कॉस इनवर्स हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना अच्छी तरह से, तो अब आगे देखो, अब इन मानों को इसमें पुट अप करते हैं, तो ये क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स की जगह कॉस ए एंड वाई की जगह कॉस बी माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर ए एंड वन माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो ये यहाँ तक हो गया। फिर आगे देखते हैं, अब ये क्या होगा, वन माइनस कॉस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता था, साइन स्क्वायर एक्स होता था, तो इसको रखेंगे यहाँ आगे, कॉस इनवर्स कॉस ए कॉस बी माइनस वन माइनस साइन कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया मेरे पास, साइन स्क्वायर ए, और ये क्या हो गया, कॉस
ये भी साइन स्क्वायर बी होगा, ये क्या हो जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर बी, और इस दोनों क्या है रूट के अंदर है ना, दोनों रूट के अंदर है। तो अब देखो रूट के अंदर है तो इससे क्या है, रूट के अंदर स्क्वायर में है तो एक बाहर आ जाएगा, और क्या बचेगा यहाँ मेरे पास फाइनली कॉस इनवर्स कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये बच गया। अब देखो आपको यहाँ फॉर्मूला बन के आया है, यहाँ देखो ये फॉर्मूला बन के आया है, तो ये क्या होता है मेरे पास कॉस ए प्लस बी, ये क्या होता है मेरे पास कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये इस तरीके का ये फॉर्मूला होता है जो ये मेरे पास यहाँ बन रहा है, देखो आपको दिख रहा होगा ये यहाँ ये फॉर्मूला वही बन रहा है जो मैंने वहां पर लिखा है। तो उसमें भी ये अगर प्लस हो तो यहाँ माइनस आता है, और माइनस हो यहाँ तो वहां प्लस आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसकी जगह मैं पूरे की जगह कॉस ए प्लस भी लिख सकता हूँ, तो आगे देखो इसमें क्या होगा कॉस इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस बी हो जाएगा ना आसानी से। अब देखो अब मैंने आपको कल लास्ट लेक्चर में बताया था, ये सबसे पहले ये सिद्ध करके बताया था कॉस इनवर्स कॉस थीटा इस तरीके से आ जाए तो वो क्या होता है थीटे के इक्वल होता है ना। तो यहाँ देखो थीटे का मान क्या है ए प्लस बी है, तो फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा ए प्लस बी आ जाएगा। और अब देखो ए प्लस बी मेरे पास क्या है, यहाँ देखो ए तो ये रहा और बी रही ये रहा, तो बिल्कुल सिंपल ही है, बिल्कुल आप इस तरह से करोगे इनको कि आपको तकलीफ ही नहीं होगी बिल्कुल करने में, आप अगर प्रोसेस बाई प्रोसेस चलोगे ना तो आप आसानी से हल कर सकते हैं इनको। तो देखो ए का मान क्या रखता हूँ मैं यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स, और बी का मान क्या रखता हूँ कॉस इनवर्स वाई, और ये मेरे पास क्या है एल एच एस, ये देखो ये क्या है मेरे पास एल एच एस है, मैंने आर एच एस से लिया था, तो सो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया, और ये क्या होगा मेरे पास इति सिद्ध। तो कई बार क्या होता है कि एग्जामों में इनको सिद्ध करने के लिए भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप इनको एक बार सिद्ध कर लेना जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और सुता कभी भूलोगे नहीं। अगर आप लिख के कुछ भी चीज़ याद करते हैं तो उससे क्या आपकी मेमोरी अच्छी पावरफुल हो जाती है, इससे आप लिख के याद करते हैं। अब देखते हैं सेकेंड वाला कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई वाला देखते हैं, इसमें क्या था ओनली प्लस चिन्ह था और यहाँ माइनस चिन्ह है, तो इसके लिए क्या करूँगा मैं देखो अगर यहाँ मैं यहाँ पर माइनस कर दूँ यहाँ माइनस कर दूंगा यहाँ, तो इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस, अगर इधर यहाँ प्लस कर दिया मैंने पूरे तो यहाँ भी प्लस होगा एंड ये भी प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से देखो कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का, तो ये यहाँ पर चिन्ह का ही तो फर्क है ओनली प्लस हो जाता था, तो यहाँ भी देखो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो इस तरह का ये फॉर्मूला होता है ना ये वाला प्लस वाला, तो उसमें भी क्या होगा ये नेगेटिव साइन होता है यहाँ कॉस ए माइनस बी, और ये इधर कॉस प्लस में हो जा रहे हैं सब, तो इस तरह से ये ए माइनस बी होगा, तो ये ए माइनस बी लिखूंगा यहाँ ए माइनस बी आएगा मेरे पास यहाँ, तो इस तरह से ये पूरा आपका आसानी से सिद्ध हो जाएगा। सिर्फ आपको एक सिद्ध करने की जरूरत है, उसके बाद दूसरा अपने आप हो जाएगा। तो देखो अब तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है मेरे पास तीसरे में क्या है टू कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये तो इसमें कोई आर एच एस लेता हूं मैं आर एच एस लिया कॉस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो एक्स की जगह क्या रखता हूं मैं एक्स की जगह कॉस थीटा रख दिया ओनली। तो अब थीटे का मान चाहिए मुझे, थीटे का मान चाहिए तो क्या आ जाएगा मेरे पास कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा, अब उसको रखता हूँ मैं अंदर, अब कॉस इनवर्स एक्स की जगह कॉस थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा एंड माइनस वन। अब ये देखो ये भी फिर से फॉर्मूला बन के आ गया,
तो आपको मैथमेटिक्स में फॉर्मूले के बिना आपकी मैथमेटिक्स बिल्कुल अधूरी है। तो आपने ये त्रिकोणमितीय फॉर्मूले नहीं पढ़े हैं तो इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कि आल फॉर्मूले जो ऑफ त्रिकोणमिति फंक्शन, तो उसका लिंक मिल दे दूंगा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके देखे सबको। तो ये क्या होता है मेरे पास कि टू कॉस का थीटा माइनस वन इक्वल टू क्या होता है कॉस टू थीटा। तो इसको अभी इस तरह से लिखूंगा मैं, तो ये क्या हो गया कॉस इनवर्स और कॉस टू थीटा। अब ये इस तरह का आ गया, फिर से आ गया, तो मैं क्या बचेगा मेरे पास ओनली टू थीटा बचेगा यहाँ, तो टू थीटा। और थीटे की वैल्यू क्या है कॉस इनवर्स एक्स, तो ये क्या होगा मेरे पास टू कॉस इनवर्स एक्स, और ये मेरे पास क्या है एल एच एस, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ जाएगा मेरे पास। अब देखते हैं फोर्थ में क्या है, थ्री कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स फोर एक्स क्यूब माइनस 3x, ये है। ये आपको दिख रहा है आसानी से कि इसमें भी क्या करना है, वही हम क्या लेंगे आर एच एस लेंगे, सब में आर एच एस लेके चलना है, बस सिर्फ एक एक वो है उसको मैं बता दूंगा, इसमें एल एच एस से हो जाएगा। तो इसमें आर एच एस से देखो होने को तो ये भी हो जाएगा एल एच एस से, लेकिन वो काफी बड़ी प्रोसेस होगी, तो इससे अच्छा होगा कि हम सिंपल सा करें, इससे क्या होगा हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो इससे अच्छा कि हम सिंपल सा करें। तो इससे आर एच एस में क्या है कॉस इनवर्स फोर एक्स क्यूब माइनस 3x, ये हो गया। अब इसमें देखो इसमें क्या करूंगा, x इक्वल टू क्या रखूंगा मैं, वही कॉस थीटा ले लो, ए ले लो, कुछ भी ले लो, रख दिया कॉस x इक्वल टू कॉस थीटा रख दिया, ये मिटल गई, कॉस y है ये कॉस b वन माइनस, ओके। तो ये थोड़ा मेरे चौक लग गया है, मतलब कोई नहीं। तो देखो अब आगे क्या करेंगे, अब थीटे का मान चाहिए मुझे यहाँ से, तो क्या होगा मेरे पास कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा ना, थीटे का मान कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो अब इसमें रखते हैं एक्स का मान, तो कॉस इनवर्स एक्स का मान गया फोर कॉस क्यू थीटा एंड माइनस 3 cos थीटा। अब तो ये फिर से कोई फॉर्मूला बन गया है, तो ये फॉर्मूला क्या होता है कॉस 3 थीटा इक्वल टू क्या होता है 4 cos³θ माइनस 3 cos θ, ये होता है। तो इसको रखूंगा मैं इसके अंदर, तो cos इनवर्स cos³θ, ये हो गया। अब यहाँ से क्या बचेगा मेरे पास ओनली क्या बचेगा, ओनली थीटा बचेगा, 3θ सॉरी 3θ लिख दिया। अब थीटा का मान क्या है cos इनवर्स x, ये रहा थीटा का मान क्या है मेरे पास cos इनवर्स x, तो 3 cos इनवर्स x, ये हो गया आपका एल एच एस पार्ट। और सो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, और ये ही क्या हो जाएगा आपका इति सिद्धम। ये जरूर आपको लिख के आना है, जिससे कि क्या एग्जामिनर को पता चले कि यहाँ पे जाके स्टूडेंट ने आपका पूरा क्वेश्चन सिद्ध कर दिया है। तो इस तरह से मैंने आपको कॉस वाले सार सिद्ध करके बता दिए हैं, जिससे आपको याद रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। आप जरूर आप प्रैक्टिस भी करें, खुद भी एक बार सिद्ध करके जरूर देखें। तो अब आगे देखते हैं टेन के और कॉट के। तो फ्रेंड्स अब हम टेन इनवर्स वाले देख लेते हैं, आपका लेक्चर ज्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए हम फटाक से कर लेते हैं। तो पहला काम से करता हूँ मैं टेन का, तो थोड़ा मैं दिखूंगा नहीं, मैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको इधर लिखता हूँ क्योंकि काफी बड़े होंगे टेन के, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में छोटे अक्षर लिखूंगा। तो आप देखना टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये क्या होता है मेरे पास, ये होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। तो इस तरह के ये अगर आप त्रिकोण होती है फॉर्मूले पढ़े होगे ना टेन टेन ए प्लस बी का, तो वो आसानी से आप इसे ये भी याद हो जाएगा आपको, ये होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का। अब माइनस में क्या होगा, दूसरा है माइनस वाला टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, तो ये क्या होगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई, और नीचे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा एक्स प्लस वाई,
ये हो गया दूसरा। एंड थर्ड देखते हैं इसका तीसरा कौन सा मेरे पास, टेन का, टेन का देखते हैं, सॉरी टू टेन इनवर्स एक्स। तो ये क्या होगा, टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा। तो टेन टू टू थीटा का क्या होता था, टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वो होता था। तो इस तरह से ये एक्स हो गया उसकी जगह और इनवर्स लग गया। तो सब में इस तरह से अगर आपको त्रिकोणमिति फलन के वो फॉर्मूले याद हैं तो इन्हें याद करने की आपको जरूरत ही नहीं, अपने आप हो जाएंगे। एंड थ्री थीटा का देखते हैं, टेन थ्री टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, क्या होगा थ्री एक्स स्क्वायर। तो ये मेरे पास टेन के चार फॉर्मूले हो गए हैं यहाँ पर। तो मैं इनको एक एक वाई सिद्ध कर लेता हूँ सबको। तो पहला देखो मेरे पास, पहला कौन सा, सबसे पहले टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या मेरे पास, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, ये है। तो इसमें भी क्या करूंगा मैं, आर एच एस लूंगा भाई, सब में आर एच एस लेके चल रहा हूँ तो इसमें भी आर एच एस ही लूंगा मैं। तो आर एच एस में क्या है मेरे पास, यहाँ आर एच एस में देखो क्या है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, ये है आर एच एस में ये। तो अब यहाँ वो ही करूंगा, सब में रखा ना मैंने पुट किया है, इसी तरह से इसमें भी पुट करूंगा। तो इस टेन है तो टेन के पदों में ही करूंगा मैं पुट। तो एक्स इक्वल टू क्या मान लेता हूँ मैं, टेन ए, एंड वाई इक्वल टू क्या मान लेता हूँ, टेन बी, ये मान लिया। तो अभी क्या होगा मेरे पास, ये देखो इसको, और ए का मान चाहिए मुझे यहाँ से, तो ए का मान क्या आ जाएगा मेरे पास, टेन इनवर्स एक्स, एंड बी का मान क्या आ जाएगा यहाँ, टेन इनवर्स वाई आ जाएगा। ए और बी का मान आपको आसानी से आ जाएगा। तो अब देखते हैं इन मानों को इसमें पुट करते हैं ऊपर। तो क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स का मान क्या है, टेन ए, एंड वाई का मान क्या है, टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। तो अब ये फॉर्मूला है ना, ये अंदर का, ये किसका बन गया, टेन ए प्लस बी का बन गया। टेन ए प्लस बी होता है मेरे पास, क्या होता है टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, ये फॉर्मूला आपको त्रिकोणमितीय फलनों के फॉर्मूले में मिलेगा। इस ये फॉर्मूला आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर ये फॉर्मूले में डिपेंड है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़े, वहाँ जाके आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का। तो ये क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, तो ये हो गया। तो ये फॉर्मूला इसमें रखूंगा मैं इसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, टेन इनवर्स टेन ए प्लस बी, ये होगा ना। अब देखो वही थीटे के अंदर आ रहा है, टेन इनवर्स टेन थीटा, तो वो क्या होता था, थीटे के इक्वल टू होता था। तो इसमें क्या होगा, ये ए प्लस बी होगा, ये इस तरह का नहीं होता था, टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू किसके इक्वल टू होता है, थीटे के इक्वल टू, थीटे की जगह क्या है यहाँ ए प्लस बी, तो ए प्लस बी के इक्वल करेंगे। अब देखो यहाँ मेरे पास ए का मान क्या है, टेन इनवर्स एक्स, एंड बी का मान क्या है, टेन इनवर्स वाई, तो मैं रखूंगा यहाँ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, और ये मेरे पास क्या है, एल एच एस है, तो एल एच एस इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, आर एच एस हो जाएगा, और ये मेरे पास इति सिद्धम, लिख देना आप, सिद्ध हो जाएगा। तो ये देखो इतनी आसानी से कराया मैं, टेन का भी बिल्कुल आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या किया, सबसे पहले एक्स और वाई की जगह क्या पुट कर ली मैं, टेन ए और टेन बी, और फिर उसको आसानी से रख दिया, और फिर मेरे पास फॉर्मूला बन गया और वो सिद्ध हो चुका है। अब देखते हैं अगर मेरे पास टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई हो तो इसको किस तरह से करेंगे। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या था, माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या था, मेरे पास प्लस था। तो इस तरह से मैं इसको चेंज करता जाऊंगा सब में। तो देखो यहाँ अगर मैं माइनस करूंगा, यहाँ माइनस किया, ये माइनस कर दिया यहाँ, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, आसानी से कर देता हूँ इसको,
टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, तो इधर क्या होगा, ऊपर तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये एक्स माइनस वाई हो जाएगा यहाँ, और नीचे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये सब में होगा, फिर यहाँ भी माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, तो इस तरह से ये यहाँ माइनस ये प्लस, और यहाँ माइनस और ये प्लस, यहाँ माइनस और ये प्लस, यह माइनस ही होगा। फिर उसके बाद ये टेन थीटा ही आया मेरे पास, और थीटे की जगह क्या है, थीटे की जगह क्या है, इस टेन ए माइनस बी है, तो यहाँ माइनस करूंगा मैं, ए माइनस बी होगा और फिर यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो इस तरह से मेरे पास एल एच एस में क्या आएगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई सिद्ध होके आएगा। तो ये पहला और दूसरा एक साथ में हो जाते हैं मेरे पास सिंपल से। अब देखते हैं तीसरा, तीसरा क्या है मेरे पास, टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स उसका, ये होता है, होता नहीं होता, तो इसको मैं वही आर एच एस लूंगा, आर एच एस में, तो आर एच एस में क्या है मेरे पास, टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स उसका, ये है मेरे पास आर एच एस में। तो आर एच एस में सॉल्व करने से पहले आप देखो मैं एक्स की जगह क्या रखता हूँ, टेन ए, क्यों रखूंगा, क्योंकि मेरे पास क्या मनाना है, मुझे तो अंदर फॉर्मूला का मनाना है टेन टू थीटा का, तो मैंने रख दिया ये, और तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास सिंपली टेन इनवर्स ए आ जाएगा। अब तो देखो आगे क्या होगा, ये आगे क्या होगा, इसमें मान पुट अप करते हैं, तो टेन इनवर्स टू एक्स, एक्स की जगह क्या रखना है टेन ए रख दिया, एंड वन माइनस एक्स की जगह क्या रखना है टेन उसका ए, तब ये क्या है मेरे पास पूरा, ये टेन टू ए, इस तरह से होता है फॉर्मूला, तो वो क्या होता है टेन टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन उसका ए, जो भी मेरे पास ये है ये यहाँ, तो मैं इसको इसको इस तरह से लिख दूंगा पूरे को, टेन इनवर्स टेन टू ए, इसको क्या हमने ए और बी में लिया है, तो यहाँ भी क्या होगा टेन ए, ए हो जाएगा यहाँ भी, तो इस तरह से टेन इनवर्स ए माइनस बी है, तो ये इस तरह से आ गए, तो इसमें भी डायरेक्ट में कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा ही तो आएगा इसके अंदर, समझ रहे ना मैं कहने क्या चाह रहा हूँ, जैसे टेन इनवर्स टेन थीटा है तो क्या आया था थीटा आया था, अब टेन इनवर्स टेन टू थीटा है, थीटा की जगह क्या है टू टू ए है, तो ये टू ए आएगा, अब टू ए की जगह क्या है टेन इनवर्स ए, तो टेन इनवर्स ए मेरे पास क्या आ गया एल एच एस आ गया, और तो इस तरह से एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गई। अब देख सॉरी ये टेन इनवर्स क्या है, देखो यहाँ ए इक्वल टू क्या है टेन इनवर्स एक्स होगा ना, ए इक्वल टू यहाँ देख इधर जाएगा तो ये क्या होगा टेन इनवर्स एक्स होगा, तो ये टेन इनवर्स एक्स है, यहाँ क्या है टेन इनवर्स एक्स, तो इस तरह से मेरे पास क्या आएगा फिर एल एच एस आ जाए। अब देखते हैं फोर्थ है लास्ट देखते हैं, उसके बाद मैं एक और कराऊंगा टेन का, वो मैंने यहाँ लिखा नहीं, अगर जगह बचेगी तो मैं कराऊंगा, नहीं तो उसको अलग से करा दूंगा। तो देखते हैं फोर्थ कौन सा बचा मेरे पास, थ्री टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब और वन माइनस थ्री एक्स, ये इसमें भी क्या करना है सिंपली वही x इक्वल टू क्या रखना है, मैं आर एच एस ले लेता हूँ डायरेक्ट ले लूँ या फिर लिख देता हूँ आपको, जिससे आपको समझने में परेशानी ना हो, आर एच एस लिया है, आर एच एस में क्या है मेरे पास टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन वन माइनस थ्री एक्स उसका, ये है टेन आर एच एस में, आर एच एस में ये होने के बाद देखते हैं अब आर एच एस को हल करते हैं, तो आर एच एस में x इक्वल टू क्या रखता हूँ मैं, आर एच एस में x इक्वल टू क्या रखूंगा टेन ए रख दिया, टेन ए ले लो चाहे आप थीटा ले लो तो वो हो जाएगा उससे, तो मैं रखता हूँ और a इक्वल टू क्या आएगा फिर मेरे पास यहाँ से a इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास टेन इनवर्स x, वो किस तरह से आया क्योंकि ये इनवर्स फलन बन जाएगा, ये a चाहिए थी ना मुझे, तो ये इनवर्स फलन बन जाएगा। तो अब आप भी देखते हैं इसको, टेन इनवर्स थ्री टेन ए माइनस टेन क्यूब ए होगा ना, x की जगह क्या रख रहा हूँ मैं टेन ए एंड वन माइनस थ्री टेन उसका ए। अब देखो आपने टेन
थ्री थीटा का सूत्र पढ़ा होगा तो आपको ये आसानी से हो जाएगा, क्योंकि tan 3 थीटा की इक्वल टू क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, tan 3 थीटा या a ले लो इसमें, वो क्या होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा होता है नहीं। तो इसी तरीके से देखो ना, ये उसकी और इसकी कंपेयरिंग करेंगे हम, तो देखो सेम है ये बिल्कुल, तो इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा पूरे की जगह tan इनवर्स tan 3 थीटा हो गया, 3 थीटा tan इनवर्स tan 3 थीटा की जगह क्या है यहाँ a है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ a लिख देता हूँ 3a, ये a हो गया। अब वही इस तरह का आ गया tan इनवर्स tan थीटा, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास ओनली थीटा, और थीटा की जगह क्या है 3a है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ 3a। अब देखो a की जगह क्या है मेरे पास, यहाँ a की जगह क्या है tan इनवर्स a है, ये a की जगह क्या है मेरे पास tan इनवर्स a, तो मेरे पास फाइनली क्या आ जाएगा 3 tan इनवर्स x है सॉरी a नहीं है, तो 3 tan इनवर्स x आ जाएगा, और वही क्या मेरे पास LHS था, देखो यहाँ LHS, तो सो LHS इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास RHS, आसानी से हो जाए। तो अब देखें आगे, अब मेरे पास कौन सा है पांचवा सूत्र, tan का पांचवा सूत्र ये है मेरे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। अगर तीन संख्या का मिल जाए आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखो मैं कराता हूँ इसको भी, तो ये क्या होता है सबसे पहले तो सूत्र देखते हैं, tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड इंटू में, फिर नीचे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, सो ये इस तरह से होगा, इस तरह से ये फॉर्मूला बनेगा हमारे पास। तो अब देखो इसको मैं किस, इसको हम एल एच एस से सिद्ध करेंगे, इससे छोटा होगा उससे बड़ा होगा, नहीं किससे करेंगे, उसमें वही x की जगह tan a, y की जगह tan b, n z की जगह tan c रखेंगे, तो वो काफी बड़ा होगा। इसमें देखो बिल्कुल जैसे ये दो फलन है tan इनवर्स x tan इनवर्स y, तो इसका हमने पढ़ा है अभी tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y का, तो वहां से रख लेंगे हम डायरेक्टली। तो मैं LHS लेता हूं इसमें, LHS में क्या है मेरे पास tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y plus tan इनवर्स z। अब देखो, अब मुझे क्या है ये tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y पता है क्योंकि मैंने ये अभी सिद्ध किया है यहाँ, तो सब तरीके से मुझे पता है tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y क्या होता है, तो उसे रखता हूँ मैं, tan इनवर्स क्या होता है tan इनवर्स x plus y x plus y upon 1 minus x होता है plus tan इनवर्स z। अब ये फिर से ही वही बन गए tan इनवर्स x plus tan, इसको तो क्या होगा ये x हो जाएगा इस टाइम और ये y हो जाएगा, ये पूरा है ना पूरा ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा पूरा x हो जाएगा और z क्या हो जाएगा y हो जाएगा, तो उस तरह से फिर से इसमें वही फॉर्मूला फिट करेंगे tan इनवर्स x plus y का, तो ऊपर तो क्या आता था मेरे पास tan इनवर्स x y, तो tan x plus tan y, तो x की जगह ये रहा पूरा, तो यहाँ क्या होगा x plus y upon 1 minus x y, ये तो हो गया tan x, tan इनवर्स के अंदर x फिर प्लस y प्लस z, y की जगह z है एंड 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता था, तो x की जगह कौन सा है x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई अब इंटू में y, y की जगह कौन है z, तो ये इस तरह से होगा। अब इसका करना क्या है आपको LCM लेना है, कुछ भी नहीं करना, तो ऊपर तो क्या आ रहा है LCM देखो tan इनवर्स 1 माइनस एक्स वाई आ रहा है ऊपर, 1 माइनस एक्स वाई कॉमन ले लिया, तो इस ऊपर क्या आएगा x प्लस वाई, अब ये इसमें इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस z माइनस एक्स वाई जेड, ये बन गया। अब देखो ये ऊपर का तो बन गया x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बन गया ये ऊपर का, तो अब देखते हैं नीचे किस तरह से बनाएंगे। अब नीचे भी ये 1 माइनस एक्स माइनस वाई जेड कॉमन आ रहा है 1 माइनस, तो नीचे क्या मिले कॉमन ले रहा हूँ मैं 1 माइनस एक्स वाई, ये कॉमन आ गया, तो अब ये कॉमन आ गया तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1 माइनस एक्स वाई एंड ये जेड तो है ही है, तो जेड इससे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस एक्स जेड एंड प्लस वाई जेड, ये जेड को मैं अंदर मल्टीप्लाई किया है ओनली और कुछ नहीं किया, तो इस तरीके से ये होगा।
अब देखो यहाँ ये वन माइनस एक्स वाई से वन माइनस एक्स वाई कैंसिल हो जाएंगे आसानी से, तो नीचे क्या बन जाएगा मेरे पास फिर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन, और ये नीचे वन माइनस एक्स वाई माइनस, अब इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड हो गया। तो फाइनली अब फॉर्मूले के रूप में लिख देंगे हम, मेरे पास आ चुका है पहले ही टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, कुछ नहीं इसको यहाँ लिया है और कुछ नहीं। तो इस तरह से मेरे पास ये आर एच एस आ गया है। अब की बार एल एच एस से हम किसको ले आए आर एच एस को, तो सो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, और ये क्या है मेरे पास इति सिद्धम, ये सिद्ध हो चुका है। तो इस तरह से मैंने टेन के आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बता दिए हैं। अब देखते हैं हम कोट के आगे हमारे साथ। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर मजा आ रहा है वीडियो देखने में तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो फ्रेंड्स अब हम कोट का देख लेते हैं कि कोट में किस तरह से होते हैं। मुझे पता है लेक्चर आपका बड़ा होता जा रहा है, लेकिन आप मेरा टाइम, मैं आपका जितना टाइम लेगा उससे आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको जितना भी टाइम लिया है ना उतना आपको उससे भी ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, आपको अच्छी तरह से फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो देखते हैं आप कोट का, कोट में देखो पहला कोट का क्या है मेरे पास, कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई। तो मैं फटाक से करा देता हूँ आपका, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास कोट इनवर्स। अब ये टेन में और कोट में थोड़ा सा आपको याद रखने की जरूरत है, अगर ये प्लस वाला हो ना तो यहाँ क्या नीचे प्लस आएगा, ऊपर क्या आएगा एक्स वाई माइनस वन अपॉन वाई प्लस एक्स। ये y प्लस एक्स क्यों लिखा है ये मैं आपको बताऊं क्यों लिखा, क्योंकि x प्लस वाई भी लिख सकता था मैं, तो अब देखो माइनस वाले में देखो इस दूसरे में, तो इसमें क्या होगा cot इनवर्स x प्लस माइनस cot इनवर्स y, तो ये होगा cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y, क्या होगा मेरे पास cot इनवर्स एक्स वाई प्लस वन ऊपर को और नीचे y माइनस x। तो कई बार क्या होता है स्टूडेंट कि y x माइनस वाई कर देता है इस फॉर्मूले, तो ये आपको ये अच्छी तरह से एक तरह से क्या है अपवाद है, तो इसको याद रखना पड़ेगा। अपवाद चीज़ें ही एग्जाम में पूछी जाती है ज़्यादातर, केमिस्ट्री में देखना सबसे ज़्यादा अपवाद चीज़ों को ही क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड पूछता है हमेशा। तो अब देखें पहला सिद्ध करते हैं हम, सबसे पहले पहला तो कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई इक्वल टू क्या है मेरे पास, पहला सिद्ध कर लेते हैं cot इनवर्स एक्स वाई माइनस वन और नीचे y प्लस एक्स। अब इसमें भी वही करेंगे हम, सब में किया है वैसे ही सेम इसमें भी करेंगे, तो x की जगह क्या रखता हूँ मैं cot a एंड y की जगह क्या रखता हूँ cot, तो यहां से a क्या होगा मेरे पास cot इनवर्स x एंड b क्या होगा यहां से cot इनवर्स y हो जाएगा। तो अब रखते हैं इसमें, किस में रख रहे हैं हम RHS में रख रहे हैं, किस में रख रहा हूँ मैं RHS में, इन सबको कहाँ रख रहा हूँ मैं RHS में रख रहा हूँ, तो RHS में रखूँगा। तो देखो LHS में अभी नहीं ले रहा, क्या रख रहा हूँ मैं सिर्फ ओनली RHS में रख रहा हूँ, LHS नहीं ले रहा, ओके ध्यान रखना ये। तो cot इनवर्स x की जगह क्या है cot a एंड y की जगह क्या है cot b माइनस वन अपॉन cot b प्लस cot ए, ये होगा ना सही रखा है मैंने या मान या गलत रखा है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, सही रखा है मेरे ख्याल से, तो इसमें और कुछ नहीं है रखने हो और क्या। तो अब देखो ये फॉर्मूला है ना ये, तो वही मैं बोल रहा हूँ ना अगर फॉर्मूले आपको याद है ना तो आप मैथ में अच्छे से बाजी मार सकते हैं। तो देखो अभी cot a प्लस b, तो ये क्या होता है cot a इंटू cot b माइनस वन अपॉन cot b प्लस cot a, ये होता है इसको यहाँ रखेंगे अब इसमें अब, तो cot इनवर्स cot a प्लस b ये हो गया। अब वही आ गया cot इनवर्स, अब ये भी क्या होता है एक वो होता है cot इनवर्स cot थीटा, तो ये क्या होगा थीटा के इक्वल ही होगा, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में सिद्ध करके बता रखा है कि ये थीटा किस तरह से आया है, तो इसलिए मैं अब इसको डायरेक्ट यूज लूंगा, तो आप क्वेश्चन करोगे तो भी यहाँ आप इसको डायरेक्ट यूज लेना है। तो देखो अब थीटा आया, थीटा की जगह क्या है यहाँ ए प्लस बी,
मैं क्या लिखूंगा a प्लस बी। अब a की जगह क्या है मेरे पास cot inverse x एंड b की जगह क्या है cot inverse y, तो उसे लिखूंगा मैं। तो a की जगह क्या है cot inverse x प्लस cot inverse y, और तो ये क्या अब क्या होगा मेरे पास LHS होगा, तो so LHS equal to RHS और ये hence proof HP, ओके HP hence proof not हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ओके ये hence proof। तो ये पहला हो गया मेरे पास। अब देखो सेकंड में क्या है, तो मैं सेकंड को भी इसी में ही कर दूंगा। तो देखो सेकंड में क्या है cot inverse x minus cot inverse y है, तो माइनस चिन्ह है, तो मैं माइनस चिन्ह को यहां से करता हूं। तो ये देखो ये क्या होगा मेरे पास cot inverse x minus cot inverse y है, तो माइनस चिन्ह यहां होगा, तो इसमें क्या है ऊपर प्लस है नीचे क्या है माइनस है, तो इस तरह से बदल जाएगा। अब वही रखूंगा तो मैं x की जगह cot a एंड y की जगह cot b, और सेम वही रखूंगा इसमें भी। उसके बाद नीचे आते हैं तो नीचे यहाँ प्लस हो जाएगा फिर, और फिर यहाँ माइनस हो जाएगा, एंड फिर ये सूत्र भी चेंज हो जाएगा, कॉट ए माइनस बी का लग जाएगा फिर यहाँ, तो यहाँ बी माइनस ए हो जाएगा और ऊपर प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा कॉट ए माइनस बी, तो और ये कॉट ए फिर क्या आएगा मेरे पास ए माइनस बी फाइनली मेरे पास आएगा, ये आ गया। तो फिर ए माइनस बी तो यहाँ भी चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई आएगा। तो इस तरह से ये सेकंड वाला भी आपको सिद्ध हो जाएगा। तो मैं आपको कुछ तीन फॉर्मूले और बता रहा हूँ, उनको आप याद रखना, वो भी आपके क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको यूज करने हैं। तो कौन सा पहला साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स आ जाए तो क्या होगा वो पाई बाई टू के हो। ये थीटा है ना वो सेम आना चाहिए दोनों में साइन और कॉस में, तो वो किसके इक्वल टू होगा पाई बाई टू के इक्वल होगा। तो इसे अब मैं सिद्ध कर देता हूँ साथ साथ। तो देखो तो मैं क्या करूंगा इसको साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या मान लू मैं थीटा मान लिया, तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास साइन थीटा आ गया, अगर एक्स इक्वल टू साइन थीटा आ गया। अब साइन थीटा इक्वल टू क्या होता था मेरे पास आपने ये तो पढ़ा ही होगा ना टेंथ में, कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है इक्वल टू साइन थीटा होगा, कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। अब देखो तो अब इसको मैं अगर इस इधर भेजूंगा कॉस को तो ये क्या बन जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बन जाएगा, और ये पाई बाई टू माइनस थीटा रह जाएगा इधर रह जाएगा ना, ये कॉस को इधर भेजूंगा तो ये क्या बन जाएगा इनवर्स बन जाएगा इनवर्स फंक्शन, तो ये कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा और ये पाई बाई टू माइनस थीटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये थीटा की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स एक्स है, तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस, और थीटा की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स x है। अब इस माइनस को इधर ले आता हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास पाई बाई टू हो जाएगा। और ये मुझे क्या करना है सिद्ध करना है, अगर आप कॉस को लेना चाहें तो कॉस से देख लो आप, कॉस अगर मैं कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या लू थीटा, तो इस तरह से क्या होगा ये x इक्वल टू क्या होगा फिर कॉस थीटा, अब x इक्वल टू क्या होगा साइन साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, वो क्या होता है कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा की जगह मैं इसको रख सकता हूँ साइन साइन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है मेरे पास कॉस थीटा, तो इसको मैं रख सकता हूँ इसकी जगह। तो इसको फिर आगे सॉल्व करेंगे तो ये वही होगा, इधर मैं किसको करूँगा इस अब की बार साइन को कर दूंगा इनवर्स में, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा, अब थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ कॉस इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स x, अब इसको इधर लेके आता हूँ तो ये किसको हो जाएगा प्लस को हो जाएगा प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई टू, ये सिद्ध हो गया लो, इससे भी होगा cos से भी होगा और sin से करके बता दिया। तो आपको सिद्ध किससे भी हो सकता है सवाल, लेकिन आपको आना चाहिए कौन कोई से भी तरीके से आना चाहिए एक से या दो से, लेकिन आपको सिर्फ एक ही याद रखना है ना कि कंफ्यूज होने की जरूरत है। तो दूसरा देखो आप दूसरा क्या होता है अगर tan इनवर्स x प्लस cot inverse x इक्वल टू क्या होगा वही पाई बाई टू होगा, वो कैसे होगा वो सिद्ध करके बताएंगे। तो मैं देखना ये थीटा का मान सेम होगा अगर साइन कॉस में टेन कॉट में और सेक कोसेक में, तो ये इस तरह से तीन फॉर्मूले बनते हैं मेरे पास। तो इसमें क्या करूंगा मैं टेन इनवर्स x इक्वल टू क्या मान वही थीटा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास टेन थीटा हो गया, तो x इक्वल टू अब टेन थीटा को क्या लिखूंगा मैं cot पाई बाई टू माइनस थीटा लिख सकता हूँ ना, tan थीटा को लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ cot पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा मेरे पास tan थीटा होगा,
तो इस तरह से अब इसको कॉट को इधर करूंगा तो ये इनवर्स में बन जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स बन जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा पाई बाई टू माइनस थीटा। अब थीटे की वैल्यू देखो, थीटे की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स एक्स है, थीटे की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स है ना, तो इधर क्या होगा कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। अब इस टेन इनवर्स एक्स को इधर लेके आऊंगा मैं तो ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू आ जाएगा, ये आपका सिद्ध होके आ जाएगा। आप अगर कॉट को फिर इसके कॉट को भी इसे ऐसे ही कर सकते हैं, थीटे के इक्वल रख के कॉट से आप सिद्ध कर सकते हैं इसको। तो मैं लास्ट बता देता हूँ तीसरा क्या मेरे पास, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा वही पाई बाई टू होगा मेरे पास। तो इसमें भी क्या करूँगा मैं sec इनवर्स x इक्वल टू क्या मान लूँ थीटा मान लूँ, तो मेरे पास क्या होगा फिर x इक्वल टू क्या होगा sec थीटा हो जाएगा, हो जाएगा ना, ये तो बिल्कुल सिंपल है बिल्कुल। अभी जैसे ये इनवर्स है तो इसको मैं इधर करूंगा तो ये sec थीटा हो गया, तो और इधर से करूंगा फिर इधर से अब थीटा के मान चाहिए तो इधर आ जाएगा sec इनवर्स x हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या करूंगा वही इसको क्या लिख सकता हूँ cosec पाई बाई टू माइनस थीटा, cosec पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है मेरे पास sec थीटा होगा, sec थीटा होगा। तो अब इसको cos को इधर भेज दूंगा मैं तो ये क्या हो जाएगा cosec इनवर्स x हो जाएगा, तो और इधर क्या बचेगा पाई बाई टू माइनस थीटा बचेगा। अब थीटे की वैल्यू रखनी है मुझे, देखो थीटे की वैल्यू क्या है मेरे पास sec इनवर्स x है, तो cosec इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई टू माइनस sec इनवर्स x है, और ये माइनस है तो इधर लेके आऊंगा तो ये किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो लेके आऊँ हम प्लस का करते हैं इसको, तो sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई टू, ये आपका सिद्ध होके आ गया है। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक कर दो, अभी तक अच्छा लगा हो, अगर नहीं लगा तो आप कमेंट करके जरूर बताएं हमारे वीडियो में किस तरह की कमी है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने आपको पूरे फॉर्मूले सिद्ध करके बताए हैं, आपको जो भी फॉर्मूले कराए मैंने वो सिद्ध करके बताए हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे प्रश्नमाला करेंगे 2.2, तो उसमें ये सारे फॉर्मूले काम आएंगे। तो फ्रेंड्स मैं जो करता हूँ ना वो मैं प्रूफ के साथ करता हूँ, न कि रट्टा देता हूँ ना, तो मैंने सब फॉर्मूले आप किसके साथ बताए प्रूफ के साथ, तो प्रश्नावली भी हम प्रूफ के साथ ही करेंगे कि किस तरह से फॉर्मूलों का यूज करके हम प्रश्नावली को हल करें। तो थैंक यू आप फ्रेंड्स, अगला नेक्स्ट लेक्चर की लिंक इसमें मिल जाएगी इस वीडियो में, तो आप नेक्स्ट लेक्चर लेना नहीं भूलें। ओके, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो कर ही कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।